कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। अच्छा। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। हाँ। चौथा बोला पांचवें से यदि न मलाई मिली दूध की कढ़ाई मैं नींबू नी छोड़ दूंगा। 60 साल के होने पर तो जवानी आती है। अच्छा। 60 साल के होने पर तो जवानी आती है दोस्तों, जीवन में इसी उम्र पर तो मिठास आती है। सही बात है। क्या बात है। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। अच्छा। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। हाँ। चौथा बोला पांचवें से यदि न मलाई मिली दूध की कढ़ाई मैं नींबू नी छोड़ दूंगा। दूध की कढ़ाई मैं नींबू नी छोड़ दूंगा। दूध की कढ़ाई मैं नींबू नी छोड़। एक दो छंद आपको और सुनाता हूँ क्योंकि कैलाश भाई ने भी, बोझल जी ने भी और शैलेश भाई ने भी इशारा किया देश बदल रहा है। तब सुनिएगा, एक सुंदरी जिसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। हाँ। उसको समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। जी। शैलेश भाई को छंद की कविताएं पसंद है, उन्हें समर्पित कर सुनाई। सुने कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। हार्ट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति संभाला। अगली पंक्ति संभालिएगा कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी चहक उठे भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा चार दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा चार दिन से हूँ भोज। वो सुंदरी आगे बढ़ी और बहुत शायरों के शेर हमारे शैलेश भाई कोट करते हैं। देखिए वो शायरों को कैसी लगी। कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। अच्छा। शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं। अच्छा। कि जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। सारे ही सवालों का। सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। अच्छा। तो देखिए राजनेताओं ने उसे देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। जो जैसी राजनीति करता है उसके मन में वैसे विचार आए। कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं सोनिया जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति संभालें दोस्तों। कि साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि लेनिन का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके अच्छा उनको जरूरी नमकीन लगती हो। भाई बहुत बढ़िया। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष
हमारा ये प्यारा देश 60 वर्ष का हो चुका है और अब इसकी क्या स्थिति है हम सब इससे वाकिफ है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब भारतवर्ष, यही हमारा प्यारा भारत देश 120 साल का हो जाएगा, अर्थात जब 120 वर्ष का हो जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी। एक कविता के माध्यम से। स्वागत। 60 साल के होने पर तो जवानी आती है। अच्छा। 60 साल के होने पर तो जवानी आती है दोस्तों, जीवन में इसी उम्र पर तो मिठास आती है। सही बात है। क्या बात है। हमारा भारत देश 60 वर्ष का हो चुका है, नए उमंग और उत्साह के साथ पनप रहा है। वाह। हमारा भारत देश वृद्ध होकर कैसा रहेगा, हमारा भारत देश वृद्ध होकर कैसा रहेगा, अरे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं बचेगा। संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका हम गर्व महसूस करते हैं। संस्कृति में आ जाएगी तब्दीली, संस्कृति में आ जाएगी तब्दीली, बचे कुचे कुर्ते खिसक जाएंगे, उनके स्थान पर न जाने क्या वस्त्र आवृत हो जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उनके स्थान पर न जाने क्या वस्त्र आवृत हो जाएंगे, बहुत अच्छे। जींस के ऊपर आ जाएगा कुर्ता, और फरमाइएगा कि जींस के ऊपर आ जाएगा कुर्ता, टॉप तो निकाल ही देगा दुपट्टा। बहुत बढ़िया। फिल्म और सीरियल जिसे हम इतना मनपसंद करते हैं और देखते हैं जी, फिल्मों और सीरियलों की कहानियां वही रहेंगी। फिल्मों और सीरियलों की कहानियां वही रहेंगी, सास बहु निरंतर झगड़ा करती ही रहेंगी। यानी 120 साल बाद भी ये नहीं बदलेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी, अब लीजिए विद्यार्थियों की बात कि विद्यार्थियों का क्या होगा ये तो बताना कठिन है। विद्यार्थियों का क्या होगा ये तो बताना कठिन है, मेरा मैं खुद नहीं जानता, तो बाकियों का बताना तो खाक मुमकिन है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं उन लोगों की, अर्थात नेता, कि जिसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, लेकिन आखिर में वो तो नहीं देते हैं। क्या बात है। नेताओं का चरित्र, और फरमाइएगा कि नेताओं का चरित्र ही नहीं रहेगा। वाह। नेताओं का चरित्र ही नहीं रहेगा, जो खुद को बेच चुके हैं उन्हें कौन संवारेगा। क्या बात है। वाह वाह। खुद को बेच चुके हैं उन्हें कौन संवारेगा। राशन की लाइन में वाहनों की भीड़ में, राशन की लाइन में वाहनों की भीड़ में आम आदमी पिस जाएगा। कि आम आदमी पिस जाएगा, हाय राम तब क्या होगा, हाय राम तब क्या होगा, अरे तब भी वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, तब भी वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। भाई बहुत अच्छे। एक चीज जिससे हम सब त्रस्त हैं, आतंकवाद। सुलगती हुई चिंगारी के रूप में नजर आ रहा आतंकवाद, सुलगती हुई चिंगारी के रूप में नजर आ रहा आतंकवाद, क्या तब धड़कती हुई ज्वाला बन जाएगा, क्या तब धड़कती हुई ज्वाला बन जाएगा। शहीदों को शहादत, शहीदों को शहादत, क्या नेताओं की राजनीति से ही मिलेगी। वाह 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 वाह। शहीदों को शहादत क्या नेताओं की राजनीति से ही मिलेगी, या उन्हें भी उनके हिस्से का मान मिल पाएगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। या उन्हें भी उनके हिस्से का मान मिल। बहुत अच्छे। इसका फैसला न लालू, न राबड़ी, न मुलायम, न आडवाणी के हाथों में है, इसका फैसला तो सिर्फ देश की जवानी के हाथों में है। क्या बात। देश की जवानी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।